ईस्वी सन 1774 से 1777 में हुए हल्बा विद्रोह में 12,000 हल्बा आदिवासी मारे गए थे। इस इतिहास को याद कर उपराजधानी में हल्बा अध्ययन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 26 दिसंबर यह वो ऐतिहासिक दिन है, इस स्मृति में गोलीबाग चौक में कैंडल मार्च निकाला गया। हल्बा वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बोली भाषा संस्कृति हम भूल रहे हैं, वो भूलना ना जाए। अध्ययन के माध्यम से हम हर एक घर में, हर एक टप्पे में लोगों को संस्कृति क्या है, अपनी बोली भाषा क्या, किस प्रकार से अपना वर्तन रहना चाहिए, क्या अपनी थी आदिवासी है या नहीं है, हर चीज़ का हम नॉलेज हल्बा अध्ययन के माध्यम से देने वाले हैं। आज कैंडल मार्च निकालने का एकमात्र उपचार यानी यही है कि जिस प्रकार से अत्याचार हुआ था, वो अत्याचार यानी 26 दिसंबर 1776 को जो हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ, क्या किया गया। अजमेर सिंह दरियादेव ये भाई, दोनों भाई की झगड़े में राजपाट के लिए जो झगड़ा हुआ, उसके बाद में अजमेर सिंह की तरफ से हल्बा सेना की मदद लेना, हल्बा सेना की मदद करने के बाद अजमेर सिंह का कत्ल करना, वो भी उड़ीसा के विक्रमदेव अंग्रेज से जॉनसन और अपने मुका ठाकुर भोसले की तरफ से, इनका तीनों की साजिश रचकर अजमेर सिंह को मारा गया। अजमेर सिंह को मारने के बाद हल्बा पर इतने जुल्म ढाए कि वो जुल्म सहन न कर सके और वो आसे वो छोड़ के चल गए। अब आप बताइए, जुल्म करने के बाद अभी ये कंडीशन पे है कि सरकार भी वही जुल्म कर रही है। अब सरकार को अभी जुल्म करने से रुकने के लिए हर एक घर में हमको अध्ययन के माध्यम से सिखाना है, बताना है और जागरूक करना है और अपना हक, अपना अधिकार वापस दिलाना है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि समाज को सही दिशा देने वाले हमारे समाज सुधारक स्वर्गीय रावाजी कुंभारे, जब परिस्थिति ऐसी आती थी, आ गई थी देश हमारे इस टापू के अंदर में, आपको पता होगा कि समाज में एक मोड़ला पद्धति है, यानी बहुत से नागपुर शहर में देख लीजिएगा, आपको एक इतिहास दिखेगा कि ये फलाना मोड़ला, पौनीकर मोड़ला, पंडित मोड़ला, ये मोड़ला, वो मोड़ला, इस प्रकार की जो पद्धति है। और ऐसे मोड़ले में है नहीं, हम कबीले वाले लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं। और दूसरी बात इस प्रकार की है कि ये जो पूरा समुदाय है, गोलीबार चौक, टिंडी, टिमकी, बांग्लादेश और ये मध्य नागपुर के अंदर में गांधीबाग, गांधीबाग हमारा आर्थिक हमारा मार्केट रह चुका है। और जिस मार्केट की वजह से और इस हल्बा समाज के ऊपर में बहुत बड़ा आघात होने के पहले हमारे स्वर्गीय राभा कुंभारे जी ने हमारे समाज में जागृति लाई, समाज को ये बताया कि हम हल्बा ओरिजिनल है, आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। उस परेड में लोगों ने, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया होगा, बात सही है, कुछ कुछ अच्छी बातों के बारे में अगर अच्छी बातें करने के लिए जाऊँगे तो उसमें जरूर आपका कहीं ना कहीं विरोध होता है। उसी तरह आज वो बातें आज हमको ध्यान में आ रही है कि स्वर्गीय राभा कुंभारे जी ने जो हमको मार्गदर्शन किया था, उस परेड में गलत थे, उनका लोगों ने विरोध किया। और ये सही है, ये मध्य नागपुर होने की वजह से, यहाँ पे हमारा हल्बा बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे संख्या बहुत हमारा ज़्यादा है और हमको सही मार्गदर्शन घर घर तक के पहुँचाना समाज के बारे में, तो समाज के बारे में पहुँचाने के लिए ये सब बातें जरूरी है, इसलिए हमारे को गांधीबाग गोलीबार चौक यही क्षेत्र चुनना पड़ा, ये इसके पीछे का उद्देश्य है।